कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के बारे में पहले आप लिख लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज एसेंशियली एम्प्लॉयड बाय सिविल इंजीनियर्स हु undertake long term project relating to the constructions of roads, bridges, house complex, dams, contract costing is also known as terminal costing. Because when the work is terminated, the cost sheet has to be completed. देखो जी, कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट तो हम लोग हमेशा देखे हैं, कॉन्ट्रैक्टर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को लेता है, घर बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, बहुत तरह के चीज आप देखते होंगे। आप यहां पर देख रहे हैं क्या क्या बनाने के लिए, तो रोड बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए, हाउस कॉम्प्लेक्स, ड्रेन, ये जितने बड़े बड़े जो कंस्ट्रक्शंस के काम होते हैं वो एक कॉन्ट्रैक्टर लेता है, कॉन्ट्रैक्ट कंपनी लेता है और उसको पूरा करता है। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स क्या है? क्या एक साल में ये कंप्लीट हो जाता है? बोलिए, मेट्रो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, हो रहा है, वो कितना साल से हो रहा है, बट वो एक कंपनी है, तो कंपनी को क्या बनाना पड़ेगा? पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से हम लोग किसी एक पार्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालेंगे आप? अगर पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, मान लीजिए 10 लाख का आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया, उसके ऊपर आपने 8 लाख रुपया खर्च किया, तो 2 लाख रुपया आपका प्रॉफिट हुआ ना। लेकिन अगर ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म ही नहीं हुआ अभी, तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ तो हम लोग पीएल अकाउंट नहीं बनाएंगे, कंपनी का बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे। ऐसा हो सकता है क्या? आपको हर एक साल बनाना पड़ेगा। तब क्या करते हैं हम लोग, एक प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट को पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। मान लीजिए अभी एक रोड का कॉन्ट्रैक्ट किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने लिया 100 करोड़ में, ये उसका कॉन्ट्रैक्ट था। फर्स्ट ईयर में मान लीजिए उसने 60% वर्क को कंप्लीट किया, अभी भी रिमेनिंग कितना है? 40% अभी भी बाकी है, कंप्लीट नहीं हुआ है। तो वो किस तरह से अपने प्रॉफिट को लेकर जाएगा, यही आप कहां पर देखेंगे? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज एसेंशियली एम्प्लॉयड बाय सिविल इंजीनियर्स हु अंडरटेक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट रिलेटिंग टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ब्रिज, हाउसेस। ये नहीं कि इंजीनियर ही लेता है, इंजीनियर नहीं लेगा, कौन लेगा? कंस्ट्रक्शंस कंपनी, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनल कॉस्टिंग भी बोलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके 60% यहां कंप्लीट हुआ, बाद में 40% कंप्लीट होगा और वर्क क्या होगा? फिनिश्ड हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? टर्मिनल कॉस्टिंग भी बोला जाता है।
When the work is terminated, मतलब finished हो जाएगा, the cost sheet has to be completed या prepared. Cost sheet क्यों बनाते हैं हम लोग? Cost sheet पढ़े हैं ना आप लोग? Cost sheet में हम लोग क्या निकालते हैं? Profit निकालते हैं. तो इसलिए जैसे ही ये contract terminate हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो हम लोग cost sheet बना सकते हैं. तो ये था जी contract account. Contract account का अब आपको सबसे पहले format तैयार करना पड़ेगा. ठीक है, चलिए फॉर्मेट तैयार कीजिए. इन द बुक ऑफ लिखते जाएंगे, इन द बुक ऑफ हम लोग लिखेंगे, और इन द बुक ऑफ में हम लोग लिखेंगे जो भी कॉन्ट्रैक्टर का नाम रहेगा, कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम रहेगा, उसको लिखेंगे. कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, और हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तैयार करेंगे. कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितने भी तरह के एक्सपेंस होंगे सब कहां लिखेंगे हम लोग? डेबिट साइड में. टू मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस जो भी रहेगा, लेकिन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वह है प्लांट इंस्टॉल. डेबिट साइड में जितने भी तरह के एक्सपेंस है उसको लिखेंगे. यहां स्टार्टिंग ही आप करेंगे वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट से. वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, देखिए इधर में मटेरियल आपने भेजा, मटेरियल रिटर्न भी हो सकता है, मटेरियल रिटर्न फ्रॉम साइट, या मटेरियल रिटर्न टू स्टोर. बड़ा बड़ा जो कंपनी होता है उसका गोडाउन होता है, वहीं से मटेरियल को भेजता है, वापस अगर वो वर्क हो गया तो वहां से मटेरियल वापस आ जाता है. आपने प्लांट भेजा, प्लांट वहां पूरा का पूरा कंज्यूम तो होगा नहीं, तो प्लांट एट साइट, प्लांट एट साइट, तो प्लांट एट साइट दिया रहेगा. अगर नहीं दिया रहे तो प्लांट दिया रहेगा, लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, तो ये प्लांटेड साइट हो जाएगा. आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंस, जितने भी तरह के आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंस होंगे और रिलेटेड आइटम के साथ हम लोग एड और लेस कर देंगे. ठीक है, प्लस माइनस करेंगे बैलेंस आ जाएगा, ये बैलेंस आ गया. बैलेंस जो सीडी है वो तो सीडी से बीडी में आ जाएगा. बाय बैलेंस बीडी, टू वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट.
यहां तक कॉपी करिए, हो गया यहां तक? अच्छा फिर से समझ लो, बढ़िया से देखो, कॉपी हो गया पूरा? देखिए क्या करेंगे, इन द बुक ऑफ कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम दिया रहेगा, यहां नाम लिखेंगे, बड़ा बड़ा कंपनी एक साथ बहुत सारा वर्क को परफॉर्म करता है तो वो अपने हिसाब से नाम दे देता है, कॉन्ट्रैक्ट ए बी सी कुछ भी देगा, या 100, 101, 102 ऐसे करके दे देता है। यहां कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट लिखेंगे, और अगर कॉन्ट्रैक्ट नंबर आप अलग से इधर भी लिख सकते हैं। देखो डेबिट साइड में हमने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितना भी खर्च है, मेटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, बिना प्लांट का तो बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन होता नहीं है, बड़ा बड़ा कंपनी का खुद का भी प्लांट होता है, हायर भी करते हैं, प्लांट इंस्टॉल, जितना भी आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड रहेगा, मान लीजिए आउटस्टैंडिंग वेजेज है तो वेजेज के साथ यानी लेबर के साथ प्लस कर देंगे, प्रीपेड डायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा तो इसके साथ माइनस कर देंगे, वही जैसे आप आउटस्टैंडिंग प्रीपेड का काम करते हैं वैसे ही होगा। फिर इधर में वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क अभी हो रहा है, मैंने अभी तुरंत आपको बताया था कि मान लीजिए इतना बड़ा रोड का आपने कंस्ट्रक्शन लिया है, अगर 60% आपने कंप्लीट किया तो आप बोल रहे हैं कि 60% कंप्लीट हुआ, बट इसको सर्टिफाई कौन करेगा? सर्टिफाई करेगा जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है आपको, उसका इंजीनियर सर्टिफाई करेगा। जैसे मान लीजिए अगर गवर्नमेंट ने दिया है ये रोड बनाने के लिए, तो गवर्नमेंट का इंजीनियर आएगा, कंस्ट्रक्शन कंपनी बोलेगा कि मैंने 60% कंप्लीट किया, बट उस अगर यहां पर आया इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, उसने बोला नहीं 60 नहीं 55% आपने कंप्लीट किया, तो इसी को बोला जाता है वर्क सर्टिफाइड। जितने का भी वर्क सर्टिफाइड करेंगे उसी के अगेंस्ट में रुपया मिलता है। बड़ा बड़ा कंपनी जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लेता है तो एक साथ रुपया थोड़ा ना मिलता है, आप जैसे जैसे काम करते जाएंगे वैसे वैसे इंस्टॉलमेंट में आपको रुपया मिलता चला जाएगा, ठीक है ना? तो जितना कंप्लीट करेंगे उतना पूरा नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ पैसा रख लिया जाता है जिसको रिटेंशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिटेंशन मनी। अदरवाइज अगर मान लीजिए 60% आपने कंप्लीट किया, 1 करोड़ का अगर कॉन्ट्रैक्ट था, 60% 60 लाख रुपया आपको दे दिया तो आप तो छोड़ के चले जाएंगे, तो फिर से तो इस कंपनी को ये सारा काम करना पड़ेगा ये रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने के लिए 40%, इसलिए रिटेंशन मनी रखा जाता है। वर्क जो सर्टिफाइड हो गया उसको सर्टिफाइड में लिख देंगे, अमाउंट दिया रहेगा, अमाउंट अगर नहीं दिया रहेगा तो ऑलरेडी आपको कैसे निकालना है सम्स में पूरा क्लियर मेंशन किया हुआ रहेगा। अब मान लीजिए आपने 60% किया था बट इंजीनियर ने 55% सर्टिफाई किया तो रिमेनिंग कितना बच गया? 5%, वो बच गया वर्क ऑन सर्टिफाइड। मटेरियल जितने का भेजे थे उसमें से अगर कुछ रिटर्न हो रहा है तो उस साइड लिखेंगे। अभी कॉन्ट्रैक्ट फिनिश नहीं हुआ है तो साइट में मटेरियल पड़ा रहेगा, मटेरियल एट साइट भी होगा, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, मटेरियल एट साइट भी लिख दीजिए इधर में, यहां पर लिख दीजिए मटेरियल एट साइट, जैसे प्लांट एट साइट लिखे उसे मटेरियल एट साइट, साइट में जो मटेरियल पड़ा रहेगा। कारण क्या है? बड़ा बड़ा जो कंपनी कंस्ट्रक्शंस का काम करता है आप देखे होंगे साइट में ही थोड़ा छोटा छोटा बना देता है, जहां पर रॉ मटेरियल रखता है, रॉ मटेरियल रखा हुआ रहता है वहां पर। प्लांट एट साइट, ये देखिए प्लांट आपने यहां भेजा था, मान लीजिए 1 लाख का प्लांट था, अभी क्लोजिंग में प्लांट कितने का है लिख देगा, प्लांट एट साइट 90,000, तो यहां पर हम लोग 90,000 लिख देंगे। समटाइम्स ऐसे बोलता है प्लांट के ऊपर 10% डिप्रिसिएशन करो, तो प्लांट यहां पर आपने कितना लिखा था 1 लाख, तो 1 लाख यहां पर हम लिख देंगे, 10% डिप्रिसिएशन बोला है 10,000, तो बाहर चला जाएगा 90,000। प्लस माइनस करेंगे इधर में, सबको हम लोग टोटल करेंगे, सारे खर्च को हटाएंगे तो ये जो बच गया एक्चुअल में वो प्रॉफिट को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है? प्रॉफिट को डिनोट कर रहा है, बट ये टोटल मेरा प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि अभी मेरा पूरा वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, 60% हुआ है, अभी 40% बाकी है,
इसलिए बैलेंस सीडी को हम लोग बीडी में ले आएंगे। अब इस प्रॉफिट में से हम कितना प्रॉफिट मानेंगे और कितना जो है सो हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस में छोड़ देंगे, इसका रूल है, उसी को अभी हम लिखवाएंगे। आप बोलेंगे पूरा प्रॉफिट क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि ये जो 40% रिमेनिंग बचा हुआ है जो नेक्स्ट ईयर हम लोग करेंगे, तो उससे क्या होगा, नेक्स्ट ईयर में मटेरियल का दाम बढ़ सकता है, वेजेज का दाम बढ़ सकता है, लॉस भी हो सकता है, इसीलिए हम लोग कुछ ना कुछ सरप्लस यहां पर रख देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, यहां तक हो गया ना कॉपी। अब आप रूल लिखिए, इसको मिटा रहे हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा ध्यान दीजिए। प्रॉफिट हम लोग कैसे ले जाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। प्रॉफिट अभी क्या निकला था, बैलेंस निकला था ना, बैलेंस बीडी। अब यहां पर हम लोग 2/3 भी लिखते हैं और 1/3 भी लिखते हैं। जनरली 2/3 ही ज्यादा आपको मिलेगा, 2/3 कब लेंगे, 1/3 कब लेंगे, ये भी हम लोग अभी बताएंगे। यहां पर होगा कैश रिसीव्ड, डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड। कॉपी करिए। अब सबसे बड़ा बात यह है, ये जो अभी आपने देखा 2/3, वहां पर 1/3 भी होता है, कैसे होगा उसके लिए लिखिए। वन थर्ड ऑफ द प्रॉफिट इज कंसिडर्ड इफ द वर्क इज कंप्लीटेड अबव 25% बट बिलो 50%। लिखते जाएंगे। एंड 2/3 इफ वर्क इज कंप्लीटेड अब 50%। देखो क्या बोला गया, प्रॉफिट कितना लेंगे, बैलेंस बीडी रखेंगे, कितना कैश रिसीव्ड हुआ है सम्स के अंदर पक्का दिया रहेगा कहीं ना कहीं, डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड, और ये जो वर्क सर्टिफाइड है वो भी सम्स के अंदर मिल जाएगा। बट अपने मन से हमको क्या रखना है वहां पर, 2/3 या 1/3। 2/3 कब लिखेंगे, इफ वर्क इज कंप्लीटेड अबव 50%। अगर वर्क 50% से ज्यादा हुआ है तब हम लोग 2/3 लिखेंगे। आप बोलेंगे वर्क 50% से ज्यादा हुआ है, ये कैसे पता चलेगा। देखो कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया हुआ रहेगा। मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट अगर 10 लाख का है तो इसका 50% कितना हुआ, 5 लाख। अगर वर्क सर्टिफाइड 5 लाख से ज्यादा है, इसका मतलब आपने 50% से ज्यादा वर्क किया। ये वर्क सर्टिफाइड अगर 5 लाख से ज्यादा है तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने वर्क कितना कंप्लीट कर लिया अब 50%। तब हम लोग कितना रखेंगे, 2/3। 1/3 कब रखेंगे, 1/3 ऑफ द प्रॉफिट इज कंसिडर्ड इफ द वर्क इज कंप्लीटेड अबव 25% बट बिलो 50%। 25% से ज्यादा होना चाहिए, यानी अगर मान लीजिए वर्क सर्टिफाइड 4 लाख रुपया दिया हुआ है, इसका मतलब यह हुआ कि ये 50% से कम है, यानी 40% है। 10 लाख
4 लाख 40% है, यानी 25% से ज्यादा है बट 50% से कम है, तो उस कंडीशन में हम लोग कितना लिखेंगे, 1/3। कंप्लीट हो गया, आया समझ में बात, 2/3 और 1, तब कुछ भी नहीं लेके जाएंगे। अगर 25% से बिलो हो जाएगा तब जो प्रॉफिट में हम लोग कंसीडर कर रहे थे कुछ भी कंसीडर नहीं करेंगे, वहां प्रॉफिट के पास नील हो जाएगा, टोटल का टोटल वर्क इन प्रोग्रेस में रह जाएगा। अब यहां पर एक आध छोटा छोटा बात और भी है जिसको आप पहले जान लो। देखो होता क्या है, जब आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे तब साइड से कभी कभी हम लोग मेटेरियल को, अगर सरप्लस मेटेरियल होता है या तो हम लोग स्टोर में रिटर्न कर देते हैं, या अगर स्टोर में रिटर्न नहीं करते हैं तो साइड से ही हम लोग बेच देते हैं। मान लीजिए आप कोई काम कर रहे थे, एक घर बना रहे थे, अभी घर उर सब बन गया, कंप्लीट हो गया, आप कॉन्ट्रैक्ट लिए थे, आप घर हैंडओवर कर दिए किसी को जिससे लिए थे, बट अभी भी आपने देखा कि वहां पर कुछ सीमेंट, मान लीजिए 10 बोरा सीमेंट रह गया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने स्टोर में ले जाकर रख देना पड़ेगा या जहां से लाए थे वहां रिटर्न करना पड़ेगा। इससे अच्छा है अगर अगल बगल कोई लेना चाहता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, बेच देते हैं। तो वो बेचेंगे आप तो या तो प्रॉफिट भी हो सकता है या लॉस भी हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हम लोग बना रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए, ना कि मटेरियल का। इसीलिए जो भी मटेरियल अगर कम में बेचेंगे या ज्यादा में बेचेंगे, या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल को देख लीजिए, एग्जाम्पल लिखेंगे, इफ मटेरियल सोल्ड या लॉस्ट फ्रॉम साइट। आप बोलेंगे सेल वाला बात तो समझे हम, कि 10,000 रुपये का सीमेंट था, बचा हुआ 8,000 में बेच दिए तो 2,000 लॉस हो गया, या 10,000 का सीमेंट था 11,000 में बेच दिए तो 1,000 प्रॉफिट हो गया। ये बात तो समझ में आया, इफ मटेरियल सोल्ड, बट लॉस्ट क्या है, लॉस्ट भी तो हो सकता है ना। अगर मटेरियल लॉस्ट हो गया और अगर वो इंश्योरेंस किया हुआ है, इंश्योर्ड है, तो नो डाउट आपको इंश्योरेंस कंपनी कुछ कंपनसेट करेगा। मान लीजिए 10,000 का मटेरियल था, लॉस्ट हो गया और इंश्योरेंस कंपनी ने अगर आपको 8,000 दिया तो 2,000 रुपया फिर भी क्या हुआ, लॉस हुआ, वो पीएल में जाएगा। अब यहां पर एग्जाम्पल जो है उसको इस तरह से देख लो, बना लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सम्स में रहेगा ही रहेगा, सम्स में ये तो कंपलसरी सभी में रहेगा, ये भी रह सकता है। एक थोड़ा सा ऐसा खींचो, मान लीजिए मटेरियल आपने सोल्ड किया 10,000 और ये इस तरह से लिखा रहेगा, मटेरियल सोल्ड फ्रॉम साइट फॉर ₹10,000 ब्रैकेट में कॉस्टिंग 12,000, कॉस्टिंग 12,000, मटेरियल आपने सोल्ड किया साइड से 10,000 में बेचे, कितने का था, 12,000। तो हम तो जब मटेरियल भेजे थे तो टू मटेरियल तो यहां 12,000 लिखे थे ना, जब आप मटेरियल भेजे थे साइट में तो टू मटेरियल आपने 12,000 लिखा था, बट उसको आपने 10,000 में बेचा तो 2,000 रुपया क्या हो गया, लॉस। तो वहां लिखेंगे 10,000 ही और ये 2,000, तो क्या हुआ, इक्वल हो गया। इससे क्या होगा, हमेशा इक्वल करने से कि जो भी यहां प्रॉफिट बचेगा वो कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट होगा। ऐसा उल्टा भी तो हो सकता था ना, कि आप यहां पर देख रहे हैं कि 12,000 का मटेरियल 10,000 में बेचे, 10,000 का मटेरियल 12,000 में भी तो बेच सकते हैं, तब यहां पर बाई बैंक 12,000 लिखेंगे, 12,000 2,000 रुपया इधर में हो जाएगा। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इफ सोल्ड इन प्रॉफिट, तो इधर आ जाएगा, यानी लॉस होने से उधर, प्रॉफिट होने से
इधर, ठीक है। अब देखो यहां पर एक बात बता दें, जितना अभी हम लोग बात डिस्कशन किए उसको एक बार वापस से रिकॉल कर लो। आपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्या हुआ, डेबिट साइड में टोटल खर्चा, क्रेडिट साइड में स्टार्ट हुआ WIP से, वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड। अगर मान लीजिए सर्टिफाइड नहीं दिया है तो कैसे देगा, कैश रिसीव्ड दे देगा कि आपने 10 लाख किया और वो रिप्रेजेंट कर रहा है 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो देखिए आपने रुपया कितना रिसीव किया, 10 लाख, तो वर्क सर्टिफाइड कितना हो गया, 10 लाख का 80% 8 लाख, तो वो निकल गया, प्लस माइनस कर दिया आप, कोई दिक्कत नहीं, सीडी आ गया, सीडी से बीडी चले गए और बीडी से प्रॉफिट हम लोग कैसे लेंगे, कब 2/3 रखेंगे, कब 1/3 रखेंगे, ये भी हो गया। सम्स के अंदर मटेरियल सोल्ड पक्का देगा, ज्यादा में बेचेंगे कम में बेचेंगे उसका भी ट्रीटमेंट हो गया। अब आइए प्लांट, डिप्रिसिएशन कभी पीछा नहीं छोड़ेगा आपका, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। अब बोलेगा कि 1 लाख का प्लांट हम लोगों ने भेजा था, ठीक है, आपने 1 लाख रुपया कहां लिख दिया, कॉन्ट्रैक्ट के डेबिट में। अब उसमें से बोलेगा कि 10,000 का प्लांट साइट में डिस्ट्रॉय हो गया, कब हुआ, एक डेट दे देगा, उसका प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है, जितना दिन यूज किए उतना डिप्रिसिएशन काटेंगे, बाकी आपका लॉस हो जाएगा। साथ ही साथ ऐसे भी बोल सकता है, इसको मिटा रहे हैं फिर आपको हम समझा रहे हैं, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट सम्स बनाने के पहले सारा बात क्लियर हो जाना चाहिए। डिप्रिसिएशन में हम लोग एक प्लांट अकाउंट बनाते थे, यहां पर भी प्लांट रहेगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है और कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम विदाउट प्लांट पॉसिबल नहीं है। तो प्लांट अकाउंट जब हम लोग को बनाने के लिए बोलेगा तो हम लोग तुरंत याद कर लेंगे कि डिप्रिसिएशन। आपको बोलेगा कि प्लांट आपने साइट में भेजा है 2015 जनवरी 1st, आपने साइट में भेजा है प्लांट मान लीजिए 1 लाख का, ठीक है, समझेंगे, 1 लाख का प्लांट आपने भेजा, ऐसे करके लिखा रहेगा, प्लांट सेंड टू द साइट रुपीस 1 लाख, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोलेगा 1 जुलाई को 10,000 का प्लांट डिस्ट्रॉय हो गया, प्लांट डिस्ट्रॉयड रुपीस 10,000 ऑन 1 जुलाई, ये ऐसे मटेरियल कितने का भेजे इसी तरह से अभी आप देखेंगे सम्स कैसे दिया रहता है। देखो प्लांट कितने का डिस्ट्रॉय हुआ है, कब हुआ है, जुलाई में, तो पूरा का पूरा डिप्रिसिएशन हो गया ना, यहां पर हम लोग लिखेंगे जुलाई 1st बाय डिप्रिसिएशन, मान लीजिए यहां पर लिख दिया रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज 10%, तो हम सबसे पहले ये जो 1 लाख का प्लांट था उसमें 10,000 अलग कर दिए, समझेंगे बात को, 10,000 का प्लांट डिस्ट्रॉय हो गया तो अब मेरे साइट में 1 लाख का प्लांट नहीं बचा, 10,000 तो बीच में चला गया, तो इसके ये मैंने 6 महीना यूज किया तो डिप्रिसिएशन हम लोग लेंगे कितने महीने का, 6 मंथ का, 10,000 का 10% 6 महीने का कितना हुआ, 500, और बाकी तो ये पूरा डिस्ट्रॉय हो गया तो बाकी क्या हो गया, पीएल अकाउंट 9,005। ऐसे यहां पर और भी बोल सकता है कि प्लांट आपने ट्रांसफर कर दिया अनदर कॉन्ट्रैक्ट में, ये भी बोल सकता है, खैर अभी उसको छोड़िए, सम्स बनाएंगे तब देखेंगे। तो अब एक्चुअल में प्लांट साइट में कितने का बचा, 90,000, वापस हम लोग डिप्रिसिएशन लेंगे 90,000 का 10% तो कितना होगा, 9,000, और बैलेंस हो गया
81,000। आप पहले इसको कॉपी करिए, फिर हम अभी आपको समझा रहे हैं। यह भी एक इंपॉर्टेंट बात है प्लांट से रिलेटेड। यह आपको तकलीफ नहीं देगा क्योंकि आप शुरू से ही डिप्रिसिएशन पढ़ते हुए यहां तक आए हैं, इसलिए यह आपको तकलीफ कहीं से भी नहीं देगा। जल्दी से कॉपी करो जी। देखो फिर से समझो, प्लांट आपने कितने का साइट में भेजा था? 1,00,000, 1,00,000 रुपया लिख दिए। बीच में कितने का डिस्ट्रॉय हो गया? 10,000 का। कब हुआ? जुलाई में। आप डिप्रिसिएशन अकाउंट तो बनाए हैं इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जुलाई में डिप्रिसिएशन हम लोगों ने 6 मंथ का लिया, बाकी ये लॉस हो गया। अब 1,00,000 में 10,000 गया तो बचा कितने का? 90,000 का, जो प्लांट हमारे कहां पर है? साइट में है। इसके ऊपर डिप्रिसिएशन हम लोग 9,000 किए हैं, बैलेंस आ गया और टोटल ये इधर भी 1,00,000 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट अकाउंट, जब हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे तो प्लांट अकाउंट कब ड्रॉ करना पड़ेगा? जब प्लांट के साथ किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस हुआ है, जैसे डिस्ट्रॉय हो गया, या मान लीजिए आप दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में आपने कुछ प्लांट को भेज दिया, तब हम लोगों को प्लांट अकाउंट बना के पूरा का पूरा सब चीज देखना पड़ेगा। अब इसको लिफ्ट कैसे करेंगे? ये तो आप बनाने पहले से भी जानते थे, ये नया चीज नहीं कुछ सिखाए हम, बट इसको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में लिफ्ट कैसे करेंगे? 1,00,000 रुपया का कॉन्ट्रैक्ट के डेबिट साइड में दिखाएंगे, टू प्लांट सेंट टू साइट, और प्लांट एट साइट बचा कितना है? तो हम लोग लिख सकते हैं प्लांट एट साइट। अब उतना लफड़ा क्यों करेंगे? 90,000 माइनस 9,000 लिखने का दरकार नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? आप डिप्रिसिएशन को शो नहीं करते हैं। कितने का लिखेंगे? 81। इसी तरह से अभी मैंने क्या बोला, डिप्रिसिएशन तो नहीं जाएगा ऊपर। हमेशा याद रखेंगे प्लांट अकाउंट नीचे बनाएंगे और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कभी भी डिप्रिसिएशन को हम लोग शो नहीं करते हैं क्योंकि वो तो लेस हो जाता है। जैसे 1,00,000 का प्लांट भेजे थे, अगर कुछ लफड़ा नहीं होता, 10% डिप्रिसिएशन होता, तो 1,00,000 हम लोग डेबिट में दिखाते और क्रेडिट में कितना दिखाते? 90,000, यही ना दिखाते? यानी आपने डिप्रिसिएशन को क्या किया? हटा दिया, तभी तो अंदर रखे हैं। इसलिए जब हम लोग अलग से प्लांट अकाउंट बनाएंगे तो जो लिफ्ट करेंगे ना वो हम लोग बैलेंस करेंगे, बट बैलेंस नहीं लिखेंगे, लिखेंगे प्लांट एट साइट। और फिर इस पीएल को लेंगे क्योंकि डिप्रिसिएशन तो जाएगा नहीं, तो क्या लिखेंगे? बाई लॉस। किस लिए लॉस हुआ? तो प्लांट डिस्ट्रॉय लॉस लिख के 9,500 कहीं साइड। अब आइए हम लोग सम्स करेंगे तो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, कहां प्लांट अकाउंट बनाएंगे, वर्क इन प्रोग्रेस कैसे निकालेंगे, ये सारे बात अभी आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा जितना बात मैंने अभी किया। इसीलिए बढ़िया से सारे सम्स को देखिए। एक पहले कॉमन सम्स करवा देते हैं जहां से आप प्लेसिंग को सीखेंगे, ठीक है ना? प्लेसिंग को सीख लीजिए क्योंकि हम लोग डायरेक्ट ईयर करने जा रहे हैं। हम लोग पहले करते कैसे थे? बुक से पहले हम आपको 2-4 सवाल करवाते थे जहां से आप प्लेसिंग को सीखते थे। प्लेसिंग सीखने से आपको आसान हो जाता था। इसके बाद हम लोग ईयर में जाते थे तो कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। यहां हम डायरेक्ट अगर ईयर में जाएंगे तो क्या होगा? अनबैलेंस हो सकते हैं। इसीलिए हम सबसे पहले एक सवाल आपको करवा रहे हैं, बट वो सम्स भी ऑनर्स में आया हुआ है।